सो गाइज, ये आप हमारे सामने देखोगे जो कि आपको 2024 यामा MK15 की आपको टोटली न्यू कलर जो कि आप इधर देखोगे जो कि आपको सियान ब्लैक कलर में लगा हुआ है। इधर आप ये वाला कलर देखोगे जो कि आपको सियान स्टॉर्म जो कि आपको पुराना वाला कलर है। बट इन दोनों ही गाड़ी के बीच में आपको कुछ अंतर देखने को मिलेंगे, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए गए और साथ साथ आपको कलर में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि आप साइड प्रोफाइल से देखोगे आपको अंतर जरूर नजर आएगा। आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों ही कलर के बीच में फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं कि आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, प्राइस का आपको क्या डिफरेंस है और आपको फीचर्स में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेंगे, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोनों ही गाड़ी का फ्रंट डिजाइन देख पाओगे जो कि आपको कितना ही था आपको एग्रेसिव देखने को मिलेगा, आपको ट्रांसफार्मर लुक में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप न्यू वाले की ओर देखोगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि पहले इस गाड़ी में आपको 1000 लाइट के पॉइंट नहीं मिलते थे बट अभी आप देखोगे जो कि इसमें आपको 1000 लाइट के पॉइंट दे दिए गए हैं। यहाँ का आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, सबसे पहले आप ये कलर देखोगे जो कि आपको सियान ब्लू कलर में दे दिया गया है और वहीं आप पुराने वाले की ओर देखोगे जो कि आप ये पार्ट देखोगे जो कि आपको ग्रे कलर में देखने को मिलता था। साइड बॉडी में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको अंतर देखने को मिलता है, ये वाला जो पार्ट है जो कि आपको टोटली सियान ब्लू कलर में मिलता था पुराने वाले में, और न्यू वाले में देखोगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का कलर यूज किया गया है। इधर आप देखेंगे जो कि आपको लाइट ग्रे कलर दिया गया है और यहाँ पे आपको सियान ब्लू कलर के यूज देखने को मिल जाते हैं। ये आपको फ्रंट से आपको कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिलता है। पुराने की ओर देखेंगे तो इसका आप मडगार्ड देख सकते हैं जो कि आपको ग्रे कलर में मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे इसके न्यू वाले की ओर जहाँ की आपको जो इसका मडगार्ड है उसे टोटली चेंज करके आपको ग्रे से आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में दे दिया गया है। साइड पैनल पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको अंतर ये देखने को मिलेगा कि ए वाला पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर देखने को मिलते हैं और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइट ग्रे में देखने को मिल जाएंगे। टैंक की ओर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कलर कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग देखने को मिलता है। आपको दोनों ही गाड़ी में किसका कलर ज़्यादा अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। टैंक कैपेसिटी जो मिलता है दोनों ही गाड़ी में आपको 10 लीटर का ही दिया गया है, यहाँ पे भी आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको अगला अंतर ये है जो कि इसके स्विच गियर में किया गया है। सबसे पहले आप पुराने वाले की ओर देखोगे तो यहाँ पे आप इसका स्विच गियर क्वालिटी देख सकते हो जो कि आपको हल्के से चीप क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, आपको अलग अलग दोनों ही देखने को मिलता है। बट इधर आप न्यू वाले की ओर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हल्के से आपको R15 जो वर्जन 4 है उसका जो स्विच गियर क्वालिटी है वही आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। यहीं से आप एक ही स्विच से आप इंजन को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, यहीं से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। और इसका जो न्यू फीचर्स ऐड हुआ है जो कि आप इसका 1000 लाइट पॉइंट देख सकते हो। मीटर कंसोल की ओर देखोगे तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ फीचर्स क्या मिलता है। आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल 1 है वो आपको शो कर रहा है, स्पीडोमीटर टैकोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गियर पुश इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएंगे जहाँ की कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मैस्कुल अलर्ट, हर एक फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको बताने वाली है, कूलेंट का क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल तो आपको मैंने बता ही दिया। और इधर आप देखेगा तो इधर वाला स्विचेज में आपको कोई भी अंतर नहीं किया गया, लो बीम आपको हाई बीम, हॉर्न के बटन, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का स्विच, ये जो हॉर्न का प्लेसमेंट है वो आपको नीचे कर देती कंपनी तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। फ्रंट में आपको अप साइड आउट सस्पेंशन दिए गए जो कि आपको गोल्डन कलर के देखने को मिलेंगे, इससे आपको छोटे मोटे गड्ढे आपको बहुत ही ज़्यादा इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इंजन जो गाड़ी में मिलता है जो कि आपको 155 cc के देखने को मिलेंगे, R15 वाला जो इंजन है वही इसमें भी यूज़ किया गया है। जैसे कि आप माइलेज अप्रॉक्स देखा जाए तो 50 तक कभी आप आराम से निकाल पाओगे अगर आप इसे इकोनॉमी जोन पे राइड करते हो तो। रियर का जो टायर है जो कि आपको 140 सेक्शन के मिलेंगे और यहाँ पे आप इसका डिस्क देखेंगे जो कि आपको 220 mm का आपको यहाँ पे डिस्क दिया गया है। रियर में आपको फुली LED में आपको टेल लाइट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देखें टायर हगर के भी ऑप्शन दिए गए हैं। साइड में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, बट इसका डिसएडवांटेज एक ही इस गाड़ी का जो कि इसका आप सीट देख सकते हैं। राइडर के लिए तो आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है बट पिलियन वाला सीट देखेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, जिससे पिलियन को बैठने में आपको हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है। नीचे की ओर आएंगे तो रियर में आपको मोनोक्रॉस टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, 155 cc का इंजन दिया गया जो कि आपको लिक्विड कूलिंग को सपोर्ट करने वाली है। टॉप स्पीड लगभग इसके इंजन के बराबर मिल जाएगा, 150-155 का आपको टॉप स्पीड भी मिल जाएगा। और जो टायर है जो कि आपको फ्रंट टायर आपको 100/80 सेक्शन के देखने को मिलेंगे, रियर टायर आपको मैंने बताया कि 140 सेक्शन का दिया गया है। रियर का जो सीट काउल है यहाँ पे भी आपको अंतर देखने को मिलता है, पहले आप देखोगे इसमें जो आपको ग्रे कलर मिलते हैं वो आपको हल्के से डार्क में देखने को मिलेंगे, न्यू वाले में देखोगे इसमें आपको हल्के से लाइट में आपको यहाँ पे डार्क ग्रे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रैब हैंडल्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक डिजाइन में देखने को मिलता है। वजन इस गाड़ी का है जो कि आपको मात्र 141 kg के ही रखे गए, जिसे कोई भी आदमी इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकता है। और साथ साथ इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 810 mm के रखे गए हैं, अगर आपका हाइट 5.5 inches है तब तो आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाएंगे। दोनों साइड जो आपको पैर है वो बहुत ही ज़्यादा इजिली हटने वाला है।
तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों ही गाड़ी के बीच में आपको प्राइस में क्या अंतर देखने को मिलता है। ये जो न्यू वाला है इसका प्राइस 2,07,500 रुपीज़ रखा गया है और इसका जो प्राइस है जो कि आपको 2,07,000 रुपीज़ रखा गया है, मात्र आपको 500 रुपये का ही अंतर देखने को मिलेगा दोनों ही गाड़ी में। और 500 रुपये में आपको क्या मिलता है, आपको 1,000 लाइट के पॉइंट मिल जाते हैं और साथ साथ आपको कलर कॉम्बिनेशन आपको अलग मिल जाता है और इसमें जो आपको स्विच गियर क्वालिटी है उसे भी आपको टोटली चेंज किया गया है। और आपको इंटरनली देखा जाए तो आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेंगे दोनों ही गाड़ी के बीच में। तो आपको कौन सा कलर पसंद है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों ही गाड़ी के बीच में, दोनों ही कलर के बीच में जो भी आपको अंतर था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर पाएंगे। मेरा ओपिनियन माना जाए तो मुझे तो पुराना वाला ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट इसमें जो 1,000 लाइट के पॉइंट दे दिए गए और आपको स्विच गियर क्वालिटी चेंज कर दिया गया, इस वजह से ये कलर भी मुझे अच्छा ही लग रही है। आपको कौन सा अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।